किस लाश का बोझ उठाते रहेंगे। ये क्या कह रही हो सुषमा, माँ सुन लेगी। शरीर के सारे हिस्सों ने काम करना छोड़ दिया है, फिर भी ये बुढ़िया दुनिया छोड़ के जाने के लिए राजी नहीं है। सुषमा, सुषमा प्लीज, सुषमा। छोड़ के जाना ही होगा। नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो इसको साथ लेकर जाऊंगा। शरीर से निकल गई, अफसोस मैं इसे नहीं बचा सका। बेटी
इंस्पेक्टर सिद्धार्थ का फोन आया था, पूछ रहे थे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार हुई या नहीं। उनसे कहना क्या के लेके जाएं। जीजा जी वो क्या क्या कहा जरा फिर से कहना। आरती मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि यहाँ हमारा रिश्ता सीनियर जूनियर डॉक्टर का है, समझी? तुम यहाँ प्रैक्टिस करने आई हो। सॉरी डॉक्टर, वो आपके लिए फोन है। कौन है? पता नहीं जीजू। क्या पता नहीं डॉक्टर। बेटा अब मजा आएगा जब दीदी की डांट पड़ेगी। अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर समझते हैं। यस डॉक्टर अमन या डॉक्टर हो तो क्या धोश जमाओगे? ओ नेहा पता है टाइम क्या हो रहा है? ओ शिट घड़ी नहीं है। हाँ हाँ कुछ दिनों में तुम ये भी कह दोगे कि तुम्हारी कोई बीवी भी नहीं है। नहीं मैं बकरी की तरह मैं क्या कर रहे हो? मम्मी पापा पहुँचने वाले हैं, जल्दी करो। वो मैं बस आधे घंटे में पहुँचता हूँ। सॉरी अगर नहीं पहुँच पाए तो अस्पताल को ही अपना घर बना लेना। ठीक है ठीक है। मेरा मतलब है मैं आ रहा हूँ बाबा। अच्छा और आरती को भी साथ में लेके आना एंड टेल हर टू पिक अप द केक। हेलो मैंने कल एक केक ऑर्डर किया था, रेडी है क्या? रेडी नहीं, हमारा नाम फिरोज भाई खड्डा वाला है। मैंने कहा केक तैयार है क्या? हाँ केक तो तैयार है, लेकिन तुम देने के लिए तैयार है क्या? क्या पैसा पैसा। ओ हाँ हाँ हटाए अभी हटाए। वाओ ए छोकरी ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? उंगली से चपचप करके खाती है? ये केक का क्रीम कलर गया? वो ये केक बिना क्रीम के ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, है? ये केक का चेरी किधर है? पेट में। एक्चुअली इस केक पे चेरी कुछ अच्छी नहीं लगती। अरे केक के ऊपर चेरी अच्छा लगता है कि नहीं लगता है ये देखने का तुम्हारा काम नहीं है, ये जानना फिरोज खड्डे वाले का काम है। ओके सॉरी। केक लाइए। एक हाथ से पैसा लियाओ, एक हाथ से केक लियाओ। ये ले आओ, ये ले आओ तो घर से चेरी खा के आना। जी। ए! स्टे। अरे, चलो। Come on, baby. लड़की पे हाथ हिजड़े उठाते हैं और शक्ल से तो हिजड़ा तो लगता नहीं, हाँ बिगड़ा हुआ जरूर लगता है। ए, मर्द बनता है साले, हाँ? एक फटका पड़ेगा ना तो तेरी सारी मर्दानगी धारी की धारी रह जाएगी, समझा? चल बढ़ जा, चल बढ़। Yeah!
क्या किया तुमने? दरवाजे के अंदर बोगदा कर दिया है? तुमको कुश्ती खेलने का इतना ही शौक है तो मैदान में जाओ ना। अब इसका खर्चा कौन देगा? पैसा निकालो, नहीं तो पुलिस को बुलाकर तुमको 6 महीने तक का फांसी का सजा करवाएगा। अच्छा हाँ, तुम खुद पुलिस वाला है, पहले से बोलना मांगता है, नहीं दिख रहा है। जाओ दूसरा कार्ड भी तोड़ डालो। वो क्या आपके रिश्तेदार थे? शट अप सीधा, वो मुझे छेड़ रहे थे। अबे सुली, में तुम्हें गुंडे छेड़ेंगे नहीं तो क्या तुम्हारी आरती उतारेंगे? सिद्धार्थ प्लीज मजाक मत करो, एक तो देर से आयो, ऊपर से आशिकी सूझ रही है। अब जल्दी चलो, दीदी और जीजू केक का इंतजार करते होंगे। अरे बस बस डैड, क्या कर रहे हैं? आज तो लिमिट ही क्रॉस हो गई। आज तुम्हारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए नो लिमिट पियो। बस भी कीजिए, शर्म नहीं आती आपको? आप पहले ससुर हैं जो अपने दामाद को अपने हाथों से खराब कर। अरे हम ससुर दामाद नहीं बल्कि दोस्त हैं दोस्त, और दोस्तों के बीच में क्या शर्म। वैसे मम्मी पापा बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। दैट्स इट। बेटी इनकी बातों में मत आना वरना ये तुम्हें भी बिगाड़ देंगे जैसे अपनी बेटी को बिगाड़ा है। मम्मी क्या मैं बिगड़ी हुई हूँ? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ बेटे, मैं आरती की बात कर रही हूँ। हमें तो अमन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने इसे अपने असिस्टेंट की तरह हॉस्पिटल में रख लिया, वरना पता नहीं उस लड़की का क्या होता। उसने तो अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है, बस अब फेरों की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ आप जल्दी से उसकी और सिद्धार्थ की शादी करा दीजिए ताकि उन दोनों का छुप छुप कर मिलना बंद हो जाए। अरे तुम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार कर लेना, मैं आके ले जाऊंगा। हेलो दीदी। हेलो। पोस्टमार्टम की बात हॉस्पिटल में होती है, बेडरूम में नहीं, समझे ना? सॉरी सॉरी दीदी। तो मम्मी पापा से कह दूं कि अब बिता भी बढ़ गई है, जल्दी से शादी करवा दी जाए। ओह थैंक यू दीदी। चलो पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाय बाय। ओह माय गॉड। बहुत हो गई है, तुझे घर नहीं जाना? कोई बोलता है मेम साहब साफ सफाई नहीं करेगा क्या? मैं कर लूंगी, तू जा। ऐसे बोलो ना मेम साहब, आज की रात आप हस्बैंड वाइफ को हनीमून की याद ताजा करने का है, आज आप दोनों की बोर्डिंग एनिवर्सरी है ना। अग्रीजी बरोबर बोली ना मेम साहब? क्यों साहब? बस बस बहुत बोलती है तू। देवरे देवा, अब भगवान ने जबान दी है तो बोलूंगी ना, अब देखो ना मेम साहब। अच्छा जाती है जाती है। गुड नाइट मेम साहब, गुड नाइट साहब, गुड नाइट। अरे बाबा इसे क्यों भेज दिया? सारी सफाई कौन करेगा? मैं करूंगी। तुम? अभी अभी नहीं, सुबह। पहली वेडिंग एनिवर्सरी है, अपनी सुहागरात को याद करेंगे और रोमांस करेंगे और क्या, सब यही हॉल में कह दो। चलो छुपा लो मुझे इस कदर।
दरवाजा नहीं खोलेंगे तो चला जाएगा। पता नहीं कौन है, बार बार बेल बजाया जा रहा है। जो कोई भी है बेल बजा के परेशान होकर चला जाएगा। पता है हमें फोन और मोबाइल के साथ डोरबेल को भी बंद कर देना चाहिए था। सही है कौन? हो सकता है कोई इमरजेंसी केस हो, कोई प्रॉब्लम में हो। देख लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अरे बाबा एक बार देख ही लेता, कम से कम फिर कोई डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। ओके, लेकिन जो कोई भी हो उसे बाहर से ही भगा देना। ओके डार्लिंग। दरवाजा खुल गया है, अब तो घंटी बजाना बंद करो। किससे मिलना है आपको? आप ही से मिलना है डॉक्टर अमन। उससे? कौन है आप?
एक फरियादी। अरे भाई फरियादी हो तो किसी पुलिस स्टेशन जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? वो फरियाद आप ही सुन सकते हैं। आपके हॉस्पिटल में अविनाश नाम के आदमी की डेड बॉडी पहुंच चुकी है, जिसका कल आप पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इसमें कौन सी नई बात है? आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वही लिखना है जो सच है। देखिए मैंने कभी झूठ का साथ नहीं दिया है, और जो सच है मैं वही लिखूंगा। सच्चाई ये है कि उसकी मौत जहर देने से हुई है। आपकी रिपोर्ट से उसे इंसाफ मिल जाएगा। वैसे आप ये बताइए कि आपका मरने वाले से क्या रिश्ता है? वो मेरी जान पहचान वाला था डॉक्टर, बरसों तक हम साथ रहे हैं। मेरी बात को भूलना नहीं डॉक्टर, वरना पछताओगे। बहुत पछताओगे डॉक्टर। अजीब आदमी था। अजीब आदमी वो नहीं, आप हैं। तोहफा आपको इंतजार कर रहा है और आप वक्त पर बात कर रहे हैं। तोहफा? कैसा तोहफा? यू रुको नेहा रुको। अमन तुम गोला खाओगे? नहीं। कैरी ऑन नेहा, एक ऑरेंज गोला देना। बदतमीजी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें तमीज से समझा तो लोगों की समझ में नहीं आती। क्या मतलब? मतलब ही तो समझाने आए हैं डॉक्टर अमन। डॉक्टर अभी तुम हॉस्पिटल जाओगे, वहां एक पोस्टमार्टम करोगे स्वर्गीय अविनाश की डेड बॉडी का। लेकिन आज का पोस्टमार्टम तुम्हारे लिए थोड़ा अलग होगा, नया होगा। यानी रिपोर्ट वो बनानी होगी जैसा हम चाहेंगे। अच्छा समझ गया। देखो मैं रिपोर्ट वही बनाता हूँ जो सच होती है। तुम पोस्टमार्टम की सच्चाई अगर दिखाओगे तो हम तुम्हें मौत की सच्चाई दिखाएंगे। पिस्तौल छोटा है, गोली भी छोटी निकलेगी, पर धमाका इतना बड़ा होगा कि तुम्हारी खोपड़ी के छितड़े उड़ जाएंगे। फिर तुम्हारी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कल कोई दूसरा डॉक्टर करेगा। और हाँ, ये बेईमानी हम तुमसे फ्री में नहीं करवाएंगे। ये 5 लाख रुपए हैं। 5 लाख काम हो जाने के बाद। बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थोड़ा ये लिखना होगा कि नेचुरल डेथ थी, मरने वाला अपनी मौत मरा है। समझा? अमन, कौन थे वो लोग? छोड़ो नेहा, चलो चलते हैं। नहीं बताओ ना कौन थे वो लोग, तुमसे क्या चाहते थे? झूठी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं। क्या उनके चाहने से मैं रिपोर्ट गलत बनाऊंगा? अब छोड़ो भी अमन, कहाँ तुम उस बात को लेकर बैठ गए। नेहा मुझे बार बार यही सोच के गुस्सा आ रहा है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई जो मुझे धमकी देकर चले गए और मैं कुछ ना कर सका। रिलैक्स अमन, तुम एक डॉक्टर हो, गुंडों के मुंह कैसे लग सकते हो। मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? कि मैं रिपोर्ट वही बनाऊंगा जो सच है, और पैसे जाकर उनके मुंह पे मारूंगा। कल रात मेरे जाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए कोई बॉडी तो नहीं आई? यस सर, बॉडी नंबर 322 अविनाश मल्होत्रा। सर हमने बहुत ट्राई किया लेकिन आपका मोबाइल स्विच ऑफ था और घर की फोन लाइंस भी बिजी थी, हम आपको कांटेक्ट नहीं कर सके। सर कोई आदमी आपके कैबिन में आपका इंतजार कर रहा है। मेरे कैबिन में? यस सर। कौन है? खुराना, एडवोकेट खुराना जी। कहिए। जो कहना था वो सुबह कहा जा चुका है। मतलब कहानी को ज्यादा लंबा करने से लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट क्लाइमैक्स ही सुना देता हूँ। हाँ लो सुनो, सुनो, सुनने में क्या हर्ज है, लो सुनो। हेलो हेलो डॉक्टर अमन,
तुम्हें मेरा मैसेज मिल गया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थोड़ा हेर फेर करना है। देखिए मैंने कहा ना आपको, तुम चीखते बहुत हो डॉक्टर, और हाँ तुम्हारी बीवी बहुत चीखती है, सुनोगे उसकी चीख? नेहा, मेरी मेरी पत्नी वहां कैसे? ये पूछो कि मैं यहाँ कैसे, मेहमान बन के बैठा हूँ तुम्हारे घर में, लेकिन तुम्हारी बीवी ने पानी तक को नहीं पूछा। खैर मैं यही बैठा हूँ, रिपोर्ट तैयार करके फोन कर देना। ओके? देखो देखो तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अरे तो फिर किस तरह कर सकता हूँ? तुम्हारी बीवी को गोली मार के मार दो, गोली शूट हर। नहीं डर गया? देखो मेरी तुम लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुमने कहना नहीं माना तो गोली तुम्हारी बीवी के भेजे में घुस सकती है। डॉक्टर साहब लो, साइन करके इस झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर दो, क्योंकि मुझे उसे फोन करके सब बताना है। जितनी देर लगाओगे उतनी देर तक तुम्हारी पत्नी पर अत्याचार होते रहेंगे। लो। वेरी गुड वकील साहब, समझदार है तुम्हारा पति, सिग्नेचर करके उसने तुम्हें नया जीवन दे दिया। यस सर। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसकी एंट्री करके पुलिस वालों को दे दो। ओके सर। अविनाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट? लेकिन उसका तो पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है डॉक्टर। तुमसे क्या मतलब, तुम्हें जितना कहा गया तुम उतना ही करो। जाओ जाके वार्ड बॉय से कहो कि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी तैयार करे। कब ले गई थी? ये कोई 9:30 बजे के करीब। 9 बजे? अगर इसकी लाश यहाँ 9 बजे थी तो कल रात ये मेरे घर 1 बजे कैसे आ सकती? What's wrong, doctor? Doctor Aman, doctor. पेशेंट को शिफ्ट कर दिया? जी कर दिया। एक्सक्यूज मी नर्स, यू नो वेयर डॉक्टर अमन इज? यस। आपको पेशेंट का ख्याल रखना चाहिए। यस सर। समझाने पर भी तुम्हारे पति को मेरी बात समझ में नहीं आई। मुझे इंसाफ चाहिए, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा।
जीना हराम कर दूंगा मैं तुम लोगों का। हेलो, बचाओ, कोई है? क्या हुआ नेहा? वो मिला था मुझे। वो कौन नेहा? वो आदमी जो हमारे घर कल रात आया था। हाँ, वो मुझे लिफ्ट में मिला, अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था? तुमने उसका क्या बिगाड़ा है? क्या नाइंसाफी की है उसके साथ? बोलो अमन, बताओ ना। ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? तुम चलो मेरे साथ। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे मुमकिन है। मेरा दिमाग मेरा दिल का साथ नहीं दे रहा। दिल कहता है कि जो देखा वो सच है, लेकिन दिमाग कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे ऐसी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा करना भी नहीं चाहिए अमन, लेकिन आंखों ने जो देखा उसे झुठलाया तो नहीं जा सकता ना। इसी वजह से तो मैं परेशान हूं। सच क्या है? वो जो कल रात हमने दरवाजे पर देखा और आज तुमने लिफ्ट में देखा, या फिर वो जो मैंने तुम्हें मॉर्ग में दिखाया था? दोनों में से कोई एक बात ही सच हो सकती है। फिर जो कल हमने देखा वो क्या था? आंखों का धोखा या एक सपना? लेकिन तुम ही बोलो अमन, एक मरा हुआ इंसान दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है? एक लाश चल फिर कैसे सकती है? इसी सवाल के जवाब में तुम्हें उलझ गया हूं नेहा, कि क्या सपना है और क्या हकीकत। कौन है वहां? क्यों डर गई क्या? और नहीं तो क्या, एक तो इतना डरावना सपना देखा था, वो मुझे तुमने डरा दिया। ओहो, इतने बड़े बेडरूम में इतने खूबसूरत बिस्तर पर अकेली सो गई। डरावने सपने नहीं तो क्या आएंगे? शट अप सिद्धार्थ, यू आर सो नॉटी। आई एम ऑलवेज नॉटी। मुबारक हो, बड़े भाई को मार कर सारी प्रॉपर्टी छीन ली। सौतेले भाई का रोल खूब निभाया है तुमने। अच्छा हुआ वकील साहब कि आपने मौका पाकर मेरे बड़े भाई से प्रॉपर्टीज के सारे कागजात पर साइन करवा लिए। थैंक्स। अरे वो कागजात मैंने कैसे साइन करवा लिए थे ये तो सिर्फ मेरा दिल ही जानता है। Ah
मुझे इश्क हुआ मेरे यार से मुझको इश्क हुआ इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ मेरे यार से मुझको इश्क हुआ नींद उड़ी मेरा चैन गया ये कैसे हुआ कैसे ये हुआ इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ मेरे यार से मुझको इश्क हुआ इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ मेरे यार से मुझको इश्क हुआ नींद उड़ी मेरा चैन गया ये कैसे हुआ कैसे ये हुआ इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ की कोशिश बेकार है भैया कमबख्त ये जहर ही ऐसा है गले को चीर के रख देता है सांस बंद होने से पहले आवाज बंद हो जाती है
उसकी सारी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस मैं हूँ। मैं उसकी पत्नी उसके बड़े गुणगान गाती थी, मेरा पति गया उसका पति खड्डे में। हाँ, लेकिन अब जल्दी से लाश को जला देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे भाभी ने शक जाहिर किया तो दोबारा पोस्टमार्टम भी हो सकता है। और ये जरूरी नहीं कि पोस्टमार्टम वही डॉक्टर करेगा और उसी हॉस्पिटल में होगा। इसके पहले कि मेरी भाभी बड़े भाई की लाश पर क्लेम करे, मुझे छोटे भाई का फर्ज अदा कर देना चाहिए। ये क्या पहना, डॉक्टर हो कि मॉडल? ओह कम ऑन जीजू, स्टाइल है। यू एंड योर स्टाइल। ओके, सी यू अराउंड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एनी कॉल्स, एनी अपॉइंटमेंट्स? यस सर, आपके घर से 3 बार कॉल आए हैं और शाम को 4 बजे डॉक्टर शर्मा के साथ आपकी मीटिंग। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप मुझे चेहरे से ना सही, मेरी आवाज से जरूर पहचान लेंगे। फोन पर बात हुई थी आपसे, वैसे विक्रम मल्होत्रा नाम है मेरा। तो आप यहाँ पर अपनी जान पहचान करवाने आए हैं? जानता हूँ आपको, अच्छी तरह से जानता हूँ। कहिए। मैं अपने भाई की डेड बॉडी लेने आया हूँ ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सकूँ। सॉरी, कानून के मुताबिक अविनाश की डेड बॉडी पर उनकी पत्नी का पहला अधिकार है। मुझे कानून मत सिखाओ, मैं कानूनी दांव पे जानता हूँ। वो तो दिख ही रहा है, कानून के दलाल को अपना चमचा जो बना लिया है। ए, विक्रम साहब, जिसका शरीर 90% जल गया हो वो अपनी जलन बुझाने के लिए चीखता चिल्लाता है, तब ये भूल जाता है कि चीखने चिल्लाने से जख्म या जलन मिटती नहीं बल्कि और बढ़ती है। ने इसके साथ जो भी कुछ किया है ना, उसकी आग में ये जल रहा है। देखो डॉक्टर, वो बात अब खत्म हो चुकी है। मेरी भाभी दुखी है, इसलिए मैं अपने भैया की डेड बॉडी लेने आया हूँ। हरगिज़ नहीं, मेरे पति की बॉडी यहीं रहेगी। इन्हें शक है कि इनके पति अविनाश का कत्ल हुआ है, इसलिए पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही ये उनकी चिता को अग्नि देंगे। अरे उनकी तो नेचुरल डेथ हुई थी, पूछिए डॉक्टर साहब से, इन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया था। रिपोर्ट मेरे पास नहीं पहुंची, और जब तक इन्हें और कानून को पूरी तरह तसल्ली ना हो जाए, बॉडी यही मॉर्ग में रहेगी। कब तक इस पोस्टमार्टम की टेंशन में बैठे रहोगे? तुम समझती नहीं हो नेहा, दोबारा अगर पोस्टमार्टम हुआ तो सच्चाई सामने आ जाएगी, लोग जान जाएंगे कि बिना पोस्टमार्टम किए मैंने रिपोर्ट बना दी थी, और मैं फंस जाऊंगा, और फिर मेरी रिपोर्टेशन का क्या होगा? इतने सालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और फिर मुझे जेल भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सिद्धार्थ से बात करती हूँ, उसे साफ साफ बता देती हूँ कि गन पॉइंट पर जान की धमकी देकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाई। टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा जल्दी से अपना मुंह ठीक कर लो, आओ जंगल की पार्टी में जाना है। भाई डॉक्टर बत्रा, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे कोई भूत प्रेत देख लिया हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर खामोश क्यों हो भाई? सब खैरियत तो है ना? एनी प्रॉब्लम? नहीं, नो प्रॉब्लम। वैसे डॉक्टर बत्रा, क्या आप इन बातों को मानते हैं? इन बातों को? वही जो आप अभी भी कह रहे थे, भूत प्रेत या फिर आत्मा। क्या तुम मानते हो? नहीं नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था, ये बातें कहां तक सच हैं? ड्रिंक प्लीज। अरे हम डॉक्टर्स को तो यही सिखाया जाता है ना, ये बातें कहानी और किताबों तक ही सच होती हैं। एक्सक्यूज मी, लेकिन सच को झुठलाया भी तो नहीं जा सकता। देयर आर सम केसेस इन द वर्ल्ड जिनकी गहराइयों में अगर तुम जाओ तो लगेगा कि आत्माओं का भी वजूद है, द
Just the science has not been able to explain it. वैसे आपका तजुर्बा क्या कहता है डॉक्टर पत्ता? ए हाँ, कुछ देर के लिए अगर मेरे माथे से तुम ये साइकेट्रिस्ट का टैग हटा दो तो यही कहूँगा कि ऐसी कोई शक्ति जरूर है, बस साइंस उसे कोई नाम नहीं दे सका। और ये जरूरी नहीं कि अगर साइंस ने किसी बात को साबित न किया हो तो उस बात का वजूद नहीं। डॉक्टर, क्या आपने कभी किसी आत्मा को देखा है? मैंने भगवान को भी तो नहीं देखा। दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है। तुम दरवाजा खोलते क्यों नहीं? नहीं, कोई नहीं है बाहर। कोई नहीं है। कोई कैसे नहीं है अमन? दस्तक साफ सुनाई दे रही है। मैंने कहा ना बाहर कोई नहीं है। मैं खुद जाके देखती हूँ। मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी, नहीं खोलोगे दरवाजा। लेकिन तुम दरवाजा खोलने क्यों नहीं देते? आखिर बाहर है कौन? देखा दस्तक बंद होगी। कोई नहीं था बाहर, कोई नहीं था, कोई नहीं था। मैडम, मैं आपका ड्राइवर नहीं, लवर हूँ। थोड़ा पप्पी शप्पी दो, थोड़ा गले लग के हाय करो। और अगर मैं इनकार कर दूँ तो ठीक है, ये बाइक यहाँ से नहीं हिलेगी। हाँ, क्यों? कॉज फॉर द किक, आई नीड अ किस। और गले लगने से ही इसका एक्सीलेटर ऑन होता है। हेलो,
अभी तक घर नहीं आए, बिजी हो? नहीं। बहुत डल साउंड कर रहे हो, क्या बात है? यूं ही बस दिमाग भटक गया था। अच्छा, कब तक आओगे? बस अभी निकल ही रहा हूँ। हेलो, हेलो नेहा। क्या हुआ तुम्हें? नेहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नेहा, क्या हुआ तुम्हें? बहुत तेज बुखार है। लेकिन नेहा तो कभी बीमार नहीं पड़ती, अचानक इसे क्या हो गया? पता नहीं माँ, अचानक घबराहट होने लगी, शरीर कांपने लगा, फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं। जब होश आया तो पता चला बुखार है। घबराने की जरूरत नहीं है पापा, छोटी सी बात है, शाम तक फीवर उतर जाएगा। जब अमन ने हमें फ़ोन किया तो हम तो परेशान हो गए, फिर तुम्हें देखा तो जान में जान आई। अब तो हंसते बेटा, अरे मामूली सी बात है, चीयर अप। Thank you.
पापा, ये डॉक्टर बत्रा हैं। नमस्ते। January 2005, patient's name, Dr. Aman's wife, Neha, is 26. Neha? मैं डॉक्टर बत्रा, भूली तो नहीं, याद है ना? Neha? बत्रा हूं, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर बत्रा। अगर कोई ऐसी बात है जो तुम अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं कर सकती तो मुझे बता सकती हो। यहां सुन रही हो ना? बीमारी नहीं है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने आपको यहां बुला लिया। नहीं, इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। इसके अंदर तो एक अलग शक्ति है, इसकी आंखें मौत की कहानी सुना रही है। अमन, नेहा वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। आप कहना क्या चाहते हैं? शी इज पजेस्ड, अमन, शी इज पजेस्ड। किसी आत्मा ने पत्नी का शरीर ओढ़ लिया है, उसकी सूझबूझ को अपने काबू में कर लिया है। डॉक्टर, क्या हमारा प्रोफेशन हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम इन बातों पर यकीन करें? और आज के इस मॉडर्न जमाने में जहां साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। एक मिनट डॉक्टर अमन, हर बात की, हर चीज की एक एक सीमा होती है जो मेडिकल साइंस की भी है। अब इंसान का दिमाग इस सीमा पर आकर रुक जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उस सीमा के आगे कुछ भी नहीं है। उस सीमा के आगे पूरी दुनिया है, एक ऐसी मिस्ट्री जो इंसान अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया। देखो, मैं तुम्हारी बीवी के बारे में जो भी कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। डॉक्टर, मेरी पत्नी को ठीक करने का कोई तो रास्ता होगा, मुझे किसी भी हालत में उसे ठीक करना है। प्लीज मुझे कोई रास्ता बताइए डॉक्टर, प्लीज। अमन, इन राहों पर जो भटक जाते हैं ना, सिर्फ कुदरत ही उन्हें रास्ता दिखा सकती है, सिर्फ कुदरत। तुम डॉक्टर होकर ऐसी बातें करते हो? पापा, मैंने अपनी आंखों से नेहा की बिगड़ती हालत देखी है, इसलिए डॉक्टर बत्रा की बातों पर विश्वास कर रहा हूं। बेटे, अगर डॉक्टर बत्रा का यही कहना है कि नेहा किसी आत्मा के घेरे में आ गई है तो उसका कोई इलाज तो होगा। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये सब मेरी गलती का नतीजा है। काश मैंने उन लोगों की बातें ना मानी होती। बेटे, जो बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। अब तो हमें यह सोचना है कि हम नेहा को कैसे ठीक करें। अमन,
भगवान के लिए कुछ करो, कोई ना कोई इलाज निकालो। नेहा की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। सुमन, मुझसे देखी नहीं जाती। सुमन, सुमन। चेक एंड मेट। आप हार गए वकील साहब। अरे भाई, आपने चाल ही ऐसी चल दी। मेरी हर चाल में एक नया अंदाज होता है वकील साहब। अच्छा, और हमारे हर अंदाज में एक नई चाल होती है। ए, बहुत हो चुका। उठाओ ये पैसे। अब मैं तुम्हारी धमकियां सुनकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगा। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। शिवा, इस बार मैं पोस्टमार्टम करूंगा और सही रिपोर्ट बनाकर पुलिस के हवाले कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे, तुम लोगों की वजह से मेरा जीना हराम हो गया है। अपने बारे में क्यों सोचते हो डॉक्टर? अपनी बीवी के बारे में सोचो। मार दो उसे। ना मुझे अपनी फिक्र है ना अपनी बीवी की। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हमें कुछ हुआ तो तुम लोगों में से भी कोई नहीं बच पाएगा। तुम सब जेल चले जाओगे, याद रखना। ये तो गड़बड़ हो गई वकील साहब। अगर इसने सही रिपोर्ट पुलिस को दे दी तो हम सब फंस जाएंगे। कुछ कीजिए। अब एक ही तरीका बचा है, मार्ग से बॉडी को गायब कर दो। ना बॉडी रहेगी, ना पोस्टमार्टम होगा, ना नई रिपोर्ट बनेगी। अरे भाई, तुम दोनों हो कौन? अरे मन्ने तो आज से पहले तुम दोनों को देखा ही नहीं। हम दोनों नए हैं, मतलब हम दोनों नया स्टाफ हैं। मोर की चाबी दे दीजिए। मोर की चाबी दे दूँ? अरे बाबूजी, मोर की चाबी ऐसे कैसे दे दूँ? क्यों जी? हम ही डेड बॉडी जमा करना चाहते हैं। अजी, बॉडी जमा कराने के लिए थारे पास डॉक्टर की परमिशन है के? नहीं। अजी, फिर तो बॉडी जमा नहीं हो सकती। भाई, यो बात है कि हमें भी 12 बजे के बाद मोर का दरवाजा खोलने की इजाज़त नहीं है। अब मैं भी क्या करूँ बताओ। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। समझने की कोशिश तो मैं कर रहा हूँ जी। दीदी, आप ठीक हो गई? आपको होश आ गया?
ट्रक है, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं घर जाना चाहती हूँ। हाँ बेटी, जरूर ले जाएंगे, पहले तेरी तबीयत तो संभल जाए। ठीक हो गई है, वो घर जाना चाहती है। अमन, ये सब क्या है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे घर जाना है, प्लीज। जब अंदर आया तुम कहाँ थे? जी मैं तो वहाँ ड्यूटी पे था बाहर। तुमने इसे अंदर जाने क्यों दिया? अजी एक तो वार्ड बॉय, दूसरी नर्स, तो वो कौन? अजी वही वार्ड बॉय। अजी नो कह रहा था कि मॉर्ग में लाश जमा करनी है। और हाँ दरोगा जी, वो रजिस्टर में एंट्री भी उसने करी थी। वो लोग कितने टाइम से यहाँ काम करते हैं? जी वो तो पता नहीं, मैंने तो उन्हें उस दिन पहली बार देखा था। पहली बार देखा था फिर भी उन्हें मॉर्ग में जाने की इजाज़त दे दी। कैसी ड्यूटी निभाते हो तुम? तुम्हें कब पता चला कि वो मर चुका है? मैं बाहर वार्ड बॉय को बातें उलझा रही थी कि मुझे शिवा की चीख सुनाई थी। फिर वो नर्स भाग के अंदर चली गई और मैं मदद ढूंढने चला गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ? मैंने देखा शिवा की लाश पड़ी है। मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मुझे एक आहट सुनाई थी। मैंने मुड़ के देखा तो अविनाश जिंदा सही सलामत मेरे सामने खड़ा था। बकवास कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ दरोगा जी, वो बॉडी नंबर 322 ही था। दिन में भी शराब पी जाए तू? हाँ जी, कैसी बात कर रहे दरोगा जी, आप दिन की बात कर रहे हो, मैंने तो आज तक रात को भी नहीं पी, माता जी की कसम। लेकिन
ये कैसे हो सकता है लैला? अविनाश मर चुका है। वो मर कर भी जिंदा है। हमने उसके साथ ऐसा सलूक किया है कि वो मौत के दरवाजे को पार करके वापस आ गया है, हमसे अपनी मौत का बदला लेने। चुप बेवकूफ, जो खुद मर चुका है, एक बेजान लाश बन चुका है, वो किसी को क्या मारेगा? हाँ, चल 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 अजी, चल उधर, चल उधर, देख सामने, कब मेरे, ये देख, देख, देखो तो, देखो, इसी सांसें बंद हो चुकी है, इधर देखो, और तू कहता है इसने मर्डर किया है? अजीत दरोगा जी, मेरी बात तो समझने को चुप, चुप कर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हवलदार जी साहब, इस लाश का पंचनामा करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सिद्धार्थ, मैं तुम्हें इस केस के बारे में कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। सिद्धार्थ, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अजीब बात करती हो तुम। अमन ने झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाकर मुजरिमों का साथ दिया, कानून के खिलाफ काम किया, और तुम्हें ये बात मामूली लगती है? सिद्धार्थ, बात समझने की कोशिश करो। जीजू ने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया। मजबूरी? अगर वो ये सब ना करते तो न जाने वो लोग दीदी के साथ क्या कर बैठते। जज्बात और रिश्तों के लिए कानून की किताब में कोई जगह नहीं। अगर मैं चाहूँ तो अमन के खिलाफ फौरन एक्शन ले सकता हूँ। मैं जानती हूँ सिद्धार्थ, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि सच क्या है ये तुम समझ रहे हो। समझ रहा हूँ आरती, तभी तो खामोश हूँ। लेकिन एक बात कह देता हूँ, अगर मुजरिम जल्द पकड़े नहीं गए तो मजबूरन मुझे अमन के खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा, और उस वक्त मैं भूल जाऊंगा कि उसके साथ मेरा कोई रिश्ता है। सिद्धार्थ, मैं सच कह रही हूँ, मैं ये शहर छोड़ के जाना चाहती हूँ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। क्यों डर गई? पुलिस को उस नर्स की तलाश है जो उस रात मॉर्ग में थी। वो वार्ड बॉय मुझे अच्छी तरह पहचानता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम पुलिस से बच भी जाते हैं तो अविनाश की आत्मा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कैसी बैकी बातें कर रही हो? अविनाश मर चुका है, समझी? मर चुका है अविनाश। कौन मर चुका है? इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों गलत वक्त पर आ गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कहिए कैसे आना हुआ? आप पर इल्जाम है कि आपने गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के लिए डॉक्टर अमन को डराया और उनकी बीवी को मार डालने की धमकी दी। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? डॉक्टर अमन ने खुद मुझसे कहा है। किसी के कहने से क्या होता है इंस्पेक्टर, सबूत लाओ, गवाह पेश करो, और उसके बाद जो भी कुछ कार्रवाई करनी है वो करो। और अगर आपने मुझ पर खामखा इल्जाम लगाने की कोशिश की तो मैं आप पर मानहानि का दावा ठोक सकता हूँ। हाँ जानता हूँ, हमारे यहाँ कानून ने बहुत छूट दे रखी है, हर कुत्ते को भौंकने की इजाजत है। इंस्पेक्टर, ये मत भूलो कि मैं भी कानून वाला हूँ। चिल्लाओ मत, मैं तुम लोगों को यहाँ चेतावनी देने आया हूँ। बिना मेरी इजाजत तुम लोग ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते, और अगर जाने की कोशिश की तो ये क्या, इस शहर के सारे काले कोट वाले मिलकर भी तुम्हारी काली करतूतों पर पर्दा नहीं डाल सकेंगे। देखा विक्रम, मेरी बात सही निकली। शाम तक मुझे मेरा हिस्सा पहुंच जाना चाहिए, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ।
क्या हालत बना ली है? क्या हो गया तुम्हें? तुम जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अमन, तुमने ये बहुत गलत किया, मुझे लाकर यहाँ रख दिया, और कौन ख्याल रखता होगा तुम्हारा? मुझे पता है तुम केयरलेस हो। क्या करूँ, केयर करने वाली जो घर पे नहीं है। बस अब ज़्यादा बातें मत बनाओ, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, मुझे घर ले चलो प्लीज। हेलो सिद्धार्थ, हेयर लैला की मौत हो चुकी है। व्हाट? क्या है डॉक्टर, मैं अविनाश हूं, दो को तो मैं मार चुका हूं, बाकी के दो को मार कर जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो तेरी बीवी को साथ लेकर। जो गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाकर गलती की है उसकी सजा तेरी बीवी भुगत रही है ना? वक्त से पहले सटे आ गए हैं आप, सिवाओ लैला की मौत ने डरा दिया है आपको। विक्रम साहब, जब मौत सर पर तांडव करने लगती है ना, तो अच्छे अच्छे की फट जाती है। मेरी बात मानिए, उन दोनों को अविनाश नहीं मारा है। सब गलत है, जो खुद मरा हुआ है वो दूसरों को क्या मारेगा? मुझे लगता है किसी का षड्यंत्र है, मैं डराने के लिए, किसी की चाल है। यही बात आपने लैला से कही थी, मर गई ना वो। इसी तरह हम दोनों का राम नाम सत्य होने वाला है। क्या करें? आपके साथ ये शहर छोड़ के भाग जाऊं? भागने वालों में से नहीं हूं मैं, ये पूरी प्रॉपर्टी को पाने के लिए बहुत पापड़ बेले मैंने, छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सच कह रहा है, तू ऐसे नहीं जाएगा, मर कर ही जाएगा साला। मुझसे नेहा की हालत देखी नहीं जाती, जब से उसकी ऐसी हालत हुई है उसे सिर्फ दो बार होश आया है, और ताज्जुब की बात यह है कि पहली बार जब उसे होश आया तो शिवा मॉर्ग में मारा गया, और जब दूसरी बार होश आया तो लैला का मर्डर हो गया। डॉक्टर अमन, पहली बार जब नेहा को होश आया था तब रात के 1:11 हुए थे, और कल रात भी वही 1:11। 1:11 हो ना हो, ये 1:11 एक ऐसी कड़ी है जो नेहा की जिंदगी और अविनाश की मौत को जोड़ती है। डॉक्टर अमन, तुम्हारी पत्नी की किस्मत का फैसला अविनाश की बीवी ही कर सकती है। घर की किस्मत में रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा लिखा हुआ है, इसीलिए अक्सर यहां बिजली चली जाती है। आप लोगों की बातों को सुनकर मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं, गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाकर आप लोगों ने एक सोई हुई आत्मा को जगा दिया है। जी, हम आपका मतलब नहीं समझे। वो इंसाफ लेकर रहेंगे, बहुत सिद्धि थे वो, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, और जो कर दिया वो तकदीर। जीते जी उन्हें हार बर्दाश्त नहीं हुई तो मरने के बाद कैसे होगी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सिर्फ बातें नहीं, सच्चाई है, जिसका सबूत इस घर के तहखाने में दफन है। ये वही जगह है अविनाश काली विद्याओं में सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश किया करते थे। ये जो काली विद्या यानी मैजिक? जी हाँ, हर रात उजालों से दूर होकर वो अंधेरों में दूसरी दुनिया की तलाश किया करते थे, और देर रात तक इस अंधेरे और सुनसान तहखाने में आत्माओं को बुलाकर उनसे बातें किया करते थे। अजीब भयानक सी चीखें मेरी नींदें उड़ा दिया करती थी। अक्सर इस बात को लेकर हम दोनों के बीच में झगड़े हो जाते थे। ओम नमः रीम क्लीम चामुंडाय नमः, ओम नमः ज्वालाय प्रज्वते, ओम नमः ज्वालाय प्रज्वते, ओम नमः चामुंडाय नमः।
आयुष्मती भव। ये वही जगह है बाबा जिसे आपको पवित्र करना है। यहाँ का वातावरण देखकर लगता है कि ये जगह मनहूस है। यहाँ आत्माओं का वास है। इस जगह का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, तभी इन आत्माओं से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन महाराज, क्या आत्माओं से छुटकारा पाया जा सकता है? क्या इनका नाश हो सकता है? अवश्य। जब आत्मा और शरीर का मिलन होता है तो उसे जीवन कहते हैं, और जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो वो मौत कहलाती है। लेकिन मौत संपूर्ण तभी होती है जब शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। मतलब जब तक शरीर खत्म नहीं होता आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती? नहीं, कभी नहीं। आत्मा और शरीर बरसों तक एक होकर रहते हैं। इसी समय में शरीर को आत्मा से और आत्मा को शरीर से जो लगाव हो जाता है, उस लगाव को खत्म करने के लिए शरीर का भस्म होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि अविनाश की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उसके शरीर को जलाना जरूरी है। अविनाशी है? हाँ, मेरे पति है वो। आप लोगों का अंदाजा बिल्कुल सही है। लेकिन ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह रही हैं? उनकी हरकतें, उनकी आंखें, उनके उनकी बात करने का अंदाज, वो भी इसी तरह से मुझे देख के चीखने चिल्लाने लगते थे, बिल्कुल इसी तरह से। मेरी पत्नी की जिंदगी अब आपके हाथ में है। अगर अविनाश की आत्मा को मुक्ति मिल गई तो मेरी पत्नी बच जाएगी। हाँ, और अविनाश को मुक्ति दिलाने के लिए हमें उसकी चिता को जलाना ही होगा। Yeah.
हेलो, मैं एडवोकेट खुराना बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी काम पड़ गया है, इसलिए मुझे तुमसे अभी इसी वक्त मिलना बहुत जरूरी है। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया वकील साहब, जो आप सुबह होने का भी इंतजार नहीं कर सकते? कुछ राज ऐसे होते हैं विक्रम, जो रात के अंधेरे में ही खोले जाते हैं। मैं भी एक ऐसी राज पर से पर्दा उठाना चाहता हूँ। कहीं डरकर आप शहर छोड़ के तो नहीं भाग रहे वकील साहब? घबराओ नहीं विक्रम साहब, अकेले नहीं, तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। अच्छा, तो जल्दी आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मौत से पहले पहुंच जाऊंगा। अरे वकील साहब, आप अभी अभी तो आपने फोन किया था। विक्रम, तीन चीजें कभी भी कहीं भी पहुंच सकती है, बुरी किस्मत, बुरा वक्त और मौत। ये क्या कह रहे हैं आप? आजकल हम लोगों का बुरा वक्त चल रहा है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए आइए, अंदर आइए। एम्बुलेंस लेकर कहाँ जा रहे हो? एक लाश का अंतिम संस्कार करने। अमन, तुम्हें पता है कि ये केस अभी अधूरा है। और वहां मेरी पत्नी की जिंदगी अधूरी है। ये जुर्म है। जुर्म है, अपनी पत्नी को बचाना जुर्म है। अगर अपनी पत्नी को बचाना जुर्म है तो आज मैं ये जुर्म करके रहूंगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। एक मिनट अमन, इंस्पेक्टर साहब, अविनाश की पत्नी ने परमिशन दे दिया, आप क्यों रोक रहे हैं? अरे मैं ये बात कैसे मान लूं? आप खुद बात कर लीजिए ना। एक मिनट। खुराना साहब, मैं आपको बहादुर समझता था, लेकिन आप तो कायर निकले, शहर छोड़ के भाग रहे हैं। जाना तो तुम्हें भी पड़ेगा विक्रम। मैं नहीं जाऊंगा, और फिर मेरे जीवन की रेखा बहुत लंबी है वकील साहब, और फिर मैं मौत से भी नहीं डरता। विक्रम, मौत किसके दरवाजे पे कब दस्तक दे दे, ये कोई नहीं जानता। ये आपने ठीक नहीं किया। कल को अगर कुछ हो गया तो हम अपने सीनियर्स को क्या जवाब देंगे? उसकी नौबत ही नहीं आएगी। तुम जीप निकालो। लगता है आज होश खो देने के मूड में आप। होश खो देने के मूड में नहीं, उड़ा देने के मूड में। क्या हुआ, वो छोड़ गए? नहीं। इंसान को हर बुरी बला से बचाती है, इसे कभी अपने गले से मत उतारना। ये तुम्हारा आखिरी पेग है। इस पेग के बाद तुम शराब को छोड़ दोगे और शराब तुम्हें। अब अविनाश की आत्मा इस चौखट को पार करके अंदर नहीं जा सकती। अगर जाने की कोशिश भी करेगी तो ओम की शक्ति उसे जला के भस्म कर देगी। Oh,
पुरख सस्ता सस्त पात सबुनी ग्वंग सत्पित महातिष्णा। ऐसा लग रहा है जैसे ये पैक मेरे गले को चीरता हुआ गया है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। तुम लोगों ने मुझे यही जहर दिया था ना? तुम्हें को अग्नि दो ताकि इसकी आत्मा को शांति मिले। मैं भी बहुत तड़पा, बहुत जलन होती है ना छोटे। एक बार फिर सोच ले, तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। तो पहले कानून कहां था जब इसे मारा गया? अब धीरे धीरे ये जहर अपना असर दिखाएगा और इस दुनिया से तेरा वजूद मिट जाएगा। लग रहा है अगर वो आ गया तो मैं नहीं। दीदी डरो मत, अब वो नहीं आएगा। वो आएगा, जरूर आएगा, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि मैंने इसे ओम की शक्ति से बांध दिया है। पर विक्रम की मौत भी उसी जहर से हुई? जी हाँ, उसी जहर से जिस जहर से अविनाश की मौत हुई थी। ताजुब की बात है सर। या इंसान जब शैतान बन जाता है तो उसका फैसला इंसान नहीं भगवान करता है।
भगवान ने अपना फैसला कर दिया है, मेरे पति की आत्मा को शांति मिल गई होगी। कुदरत का इंसाफ ऐसा ही होता है, वो जब इंसाफ करने पर आता है तो इंसान कुछ समझ नहीं पाता। बस इंसाफ हो जाता है। अब ये केस भी उन्हीं फाइलों में दफन हो जाएगा जो अनसॉल्व रही हैं। यस। आरती, क्या करती हो? रास्ता छोड़ो। रास्ता छोड़ूंगी तो तुम मुझे फिर छोड़ के भाग जाओगे। इसलिए आज तो रास्ता नहीं छोड़ूंगी। क्यों? आज क्या बात हो गई? ये केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन एक केस अभी बाकी है। केस? कौन सा केस? मेरा और तुम्हारा। अब और इंतजार नहीं होता। तो शादी क्यों नहीं कर लेती? किससे? किसे क्या, मैं हूं ना। कौन आ गया? भाड़ में जाए, एक बार दरवाजा खोल के मुसीबत मोल ली। अब दरवाजा सुबह खुलेगा।